गॉड ब्लेस यू जी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीह यीशु के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। मेरे साथ निकालिए जबूर 23, बाइबल मुकद्दस का एक इंतहाई मशहूर पैसेज जो लोगों को जुबानी भी याद है। आमतौर पर जब लोग डर जाते हैं, खौफ सदा हो जाते हैं, तो रात को उठ के जबूर 23 पढ़ते हैं। कहीं अंधेरे में उन्हें डर लगने लगे तो जबूर 23 पढ़ना शुरू कर देते। एक भाई मुझे मिला, उसने कहा जी मैं रात को सोने से पहले 100 दफा जबूर 23 पढ़ता हूँ, फिर मैं सोता हूँ। 100 दफा उसको पढ़ने का मकसद क्या है? उससे क्या उसको हासिल हुआ? क्या वो इसके मकसद को भी जानता है कि ये जबूर 23 है क्या? तो आज हम इस पर गौर करेंगे। दाऊद का ये मजमूर है और अदब की दुनिया का ये एक शाहकार है। ये एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर दाऊद ने खुदा और इंसान के दरमियान जो ताल्लुक है उसको हर्फ ब हर्फ और सतर ब सतर, आयत ब आयत बयान किया है। किस तरह एक इंसान और खुदा का ताल्लुक कायम रह सकता है और खुदा का और इंसान का ताल्लुक है क्या, इस जबूर में हमें ये सब कुछ सीखने को मिलता है। और मैं ये समझता हूं कि अगर इस जबूर का रट्टा लगाने की बजाय, इसको विर्ध के तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लें तो हमारी जिंदगी जो है वो जमीन से उठ के आसमान पर चली जाएगी। क्योंकि इसके अंदर एक ऐसे शख्स का तजर्बा मौजूद है जो बजाते खुद चरवाहा है और वो भेड़ों को चराने का वसी तजर्बा रखता है, और एक ऐसा चरवाहा है जो जंगजू चरवाहा है, जो अपनी भेड़ों को बेयारों मददगार नहीं छोड़ता बल्कि वो अपनी भेड़ों के लिए लड़ता है, अपनी भेड़ों के लिए शेरों से लड़ पड़ता है, रीछों से लड़ पड़ता है, जंगली दरिंदों और जानवरों से लड़ पड़ता है, नदी नालों में से अपनी भेड़ों को अपने साथ लेकर निकलता है। तो इसका भेड़ों के साथ एक वसी एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को वो खुदा की तरफ ट्रांसफर कर देता है और अपने आप को एक भेड़ की जगह पर रखता है और खुदा को वो एक चौपान और चरवाहे की तरह देखता है। पहली आयत में लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना हो। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि खा मौत के साय की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। खुदावंद मेरा चुपान है, ये एक पहला मुकाशवा है जो इस जबूर के अंदर हमें मिलता है और ये दाऊद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस तरह मैं अपनी भेड़ों को चराता हूं, इसी तरह खुदा मुझे चराता है, इसी तरह खुदा मेरा चुपान है, खुदा मेरी रखवाली करता है, खुदा मेरी रहनुमाई करता है, खुदा मेरी अगुवाई करता है, खुदा मेरी और वो मेरी तमाम चीजों का ख्याल रखता है। चुपान जो है वो अपनी भेड़ों की हर एक चीज का ख्याल रखता है। जिस तरह दाऊद अपनी भेड़ों का ख्याल रखता था, ठंड के वक्त में उन्हें अंदर लेकर जाता था, गर्मी के दिनों में उनको बाहर मैदान में लेकर आता था, उनको अच्छी जगह पर लेकर जाता था जहां पर वो फ्रेशनेस को फील करें, जहां पर उन्हें ताजी आबो हवा मिले, जहां पर वो खुश व खुरम रह सकें और अपने आप को महफूज महसूस कर सकें। इसी तरह वो शख्स जिसका ये एक्सपीरियंस है कि खुदावंद मेरा चुपान है, खुदा मुझे लीड करता है, खुदा मुझे गाइड करता है, ये थॉट जो है ये हमारी लाइफ के अंदर फ्रेशनेस को लेकर आती है, ये थॉट हमारी लाइफ के अंदर खुशहाली को लेकर आती है, ये ख्याल हमारी जिंदगी के अंदर एक बेदारी को लेकर आता है कि मेरा चुपान खुदा है, तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना। मेरा और आपका चुपान ऐसा है जिसको झपकी नहीं आती, जिसकी आंख नहीं लगती। आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड मुख्तलिफ प्लाजों के आगे, बैंकों के आगे बैठे होते हैं, वो उंगरे होते हैं रात के वक्त में, उन्हें नींद आ जाती है। और कई तो ऐसे हैं कि वो दो हों तो एक जाके सो जाता है, एक ड्यूटी पे रहता है, वो मिल बांट के अपनी ड्यूटी करते हैं, सो जाते हैं, लेकिन खुदा नहीं सोता। आमीन। मेरा और आपका जो चुपान है वो सोता नहीं है, वो बेदार रहता है, वो जागता रहता है। अगर खुदा मेरा चुपान है तो वो कहता है मुझे कमी ना होगी, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। खुदा मुझे वक्त पर खाना देगा, खुदा मुझे वक्त पर कपड़े देगा, खुदा मुझे वक्त पर जॉब मुहैया कर देगा, खुदा वक्त पर मुझे कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर दे देगा, खुदा वक्त पर सब कुछ करता है। ये बात बड़ी कमाल की, मुझे ये चीज सबसे ज्यादा पसंद है कि जब आप खुदा पर तवक्कल कर रहे हैं, खुदा कभी लेट नहीं होता। आमीन। खुदा लेट नहीं होता और खुदा वक्त से पहले भी कई चीजें नहीं करता, खुदा वक्त पर करता है। उसने अपनी माँ से, जो उसकी जमीनी माँ थी, उससे कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया। और खुदा कि अगर आप जात को स्टडी करें तो आपको नजर आएगा कि खुदा वक्त का खुदा है,
खुदा ना वक्त से पहले करता है, ना खुदा वक्त के बाद करता है, खुदा वक्त पर करता है। हमें सिर्फ खुदा के साथ चलना है और इस चीज पर यकीन करना है कि मेरी सारी जरूरतों की बाबत खुदा को पहले से ही पता है। मैं और आप अपने बच्चों की बाबत क्या नहीं जानते कि हमारे बच्चों के कपड़े छोटे हो गए? बच्चों को तो नहीं पता, लेकिन हमें पता है। हमारे बच्चों के मोजे नए आने वाले, हमारे बच्चों की नई किताबें आने वाली हैं, अगली क्लासों में जाएंगे उनके नए बस्ते आने वाले, उनकी फलां जरूरत है, उनकी फलां जरूरत है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुछ क्यों ना देगा। वो मेरी और आपकी एक एक जरूरत से वाकिफ है, और जो कुछ हमारी जिंदगी में अगले साल होने वाला है खुदा को वो भी पता है, जो उससे अगले साल होने वाला है खुदा को वो भी पता है, जो उससे अगले साल होने वाला है खुदा को वो भी पता है, जो हमारे बच्चों की लाइफ में आगे होने वाला है खुदा को वो भी पता है। उनकी बीवियां कौन होंगी, उनके शोहर कौन होंगे, आपके दामाद कौन से होंगे, आपको नहीं पता, लेकिन खुदा को पता। खुदा एक एक चीज को जानता है। खुदा ने हमारे दिन गिन रखे, हमारे दिनों का जो शुमार है, हमारे दिनों का जो अदादो शुमार है हमारे दिनों के, वो खुदा के पास है, खुदा को ये पता है। इसीलिए मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि हम इस मुकाशफे के साथ खड़े हों कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। ये एक गर्दान है, गर्दान कहते हैं रेपिटेशन, एक चीज को रिपीट करते जाना। जबूर कई, जब कोई बंदा किसी जगह पर बैठकर अपने बेड पर या अपनी चारपाई पर या रास्ते में जाते हुए जबूर 23 पढ़ रहा है, तो क्या वो इसकी मतलब को भी समझता है, या बस वो उसका रटा लगा रहा है, खुदा मेरा चुपान है मुझे कमी ना हो, खुदा मेरा चुपान है मुझे कमी ना हो, मुझे हरी चरागाहों में, इस तरह से पढ़े जा रहा है, उसको क्या इसका मतलब पता। जब तक हम किसी चीज के मतलब को ना समझ लें, उसको पढ़ते रहने से तो कोई फायदा हमें हासिल होने वाला नहीं। तो पहली चीज जो हमने सीखी है, खुदावंद मेरा चुपान है मुझे कमी ना होगी। ये एक खुद कलामी है जो आप हर रोज अपने आप से कर सकते हैं। आप अपने आप को बता सकते हैं कि मेरा चुपान खुदा है। जब आप शीशे के सामने खड़े हो तो आप कहें, खुदावंद मेरा चुपान है। अपने आप को ही बताएं, अपने आप को बताएं, मुझे कमी ना होगी। ये चीज अपने आप को बताएं, बजाय ये चीज सुबह ही उठ के आपके जहन पे सवार हो जाए कि आज की बनेगा, उससे पहले ही अपने आप को ये कह दें कि खुदावंद मेरा चुपान है मुझे कमी ना हो। उससे मेरे बिल भी दे देने हैं, उससे मेरी गाड़ी में डलवाने के लिए मुझे पेट्रोल के पैसे भी दे देने हैं, उससे मेरा सब कुछ ही कर देना, क्योंकि वो मेरा चुपान है। और एक बात याद रखें, मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि माँ बाप के पास वसाइल की कमी हो सकती है। मैं बतौर बाप बहुत सी चीजों में कमी का शिकार हो सकता हूँ, बतौर माँ आप बहुत सी चीजों की कमी का शिकार हो सकती हैं, लेकिन खुदा के पास किसी चीज की कमी नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि खुदा के पास किसी चीज की कमी है? खुदा के पास तो हर एक चीज वाफर मिकदार में है, और वो जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए हमें इस ईमान में खड़े होना है कि खुदावंद मेरा चुपान है मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। इसमें एक चीज बड़ी कमाल की आपको नजर आएगी, इसमें वो बहुत ज्यादा, मैं बहुत कम। ये भी जिंदगी का एक फलसफा है। अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में ज्यादा होना चाहिए, मैं कम होनी चाहिए। जितनी ज्यादा मैं बढ़ जाती ना, उतना ज्यादा वो कम हो जाता है, और जितना ही वो कम होता है उतना ही मैं जो है वो हमारा खाना खराब कर देती। मैं को कम होना चाहिए। इस जबूर में मैं का वर्ड बहुत कम यूज हुआ है, वो का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। खुदावंद मेरा चुपान है, इसमें वो उसका जिक्र कर रहा है। खुदावंद पहले आ रहा है, मेरा बाद में आ रहा है। खुदावंद मेरा चुपान है मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। एक हरी घास एक भेड़ के लिए, एक बकरी के लिए, एक जानवर के लिए जो के चरने वाला जानवर है, घास खाने वाला जानवर है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ताजा घास जब वो खा लेते हैं वो जानवर, तो फिर वो पुरसकून हो जाते हैं। एक ऐसी घास जो सड़ी हुई है और ब्राउन है और वो जल चुकी है धूप की वजह से, अगर वो जानवर खाएंगे तो उनके अंदर फ्रेशनेस नहीं आएगी। तो भेड़ों के लिए किस चीज की जरूरत होती है जी? ताजा घास की। तो वो कहता कि वो मुझे लेके जाता, भेड़ खुद नहीं जाती, चुपान लेके जाता, चरवाहा लेकर जाता। तो हमारी लाइफ में जो जरूरतें हैं खुदा उनको बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकता है। मुझे और आपको इस चीज पे तवक्कल करना है कि खुदा मेरी सारी जरूरतों को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर सकता। तेनू चंगियां चीजा नाल ओ है रजांदा, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है। आमीन। ज़बूर 103 में हम गाते हैं, वो हमें अच्छी चीजों से सैर करता है, वो हमें हरी हरी चरागाहों में लेकर जाता है। और हरी चरागाहें अमूमन वहां पर होती हैं, आगे चल के उसका जिक्र करेगा। हरी चरागाहें जो हैं ये हमारी लाइफ के अंदर इत्मीनान, सुकून और खुशी को जाहिर करती हैं। हमारी जरूरतों की जो फुलफिलमेंट है, जो जरूरतें हमारी पूरी हो रही हैं, ये हरी चरागाहों को जाहिर करने वाली बात है। खुदा मेरी और आपकी हर एक जरूरत को बहुत बेहतरीन अंदाज में पूरा कर सकता है, हमें इस पर यकीन करना। अगर आप इस पर यकीन करेंगे तो आपकी लाइफ में ऐसा होगा। इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत, अपने आप से ये बात करने की जरूरत। हमें वो अच्छा खाना खिलाता, अच्छे घरों में हम रह रहे हैं और अपनी औकात से अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सारी चीजें खुदा ने हमें अच्छी दी। खुदा हमें कोई बुरी चीज नहीं दे रहा,
लेकिन क्या हम इसके अगेंस्ट खुदा के शुक्रगुजार? अगर हम अपने शुक्रगुजारी के एलिमेंट को देखें तो हमारी शुक्रगुजारी की तकड़ी खाली, शुक्रगुजारी है ही नहीं। तो यहाँ पे दरखास्तें बहुत ज्यादा हैं, शुक्रगुजारियां ना होने के बराबर। तो हमारा जो पलड़ा शुक्रगुजारी का है वो खाली है, उसमें कोई वजन ही नहीं हमने डाला, क्योंकि हम शुक्रगुजार नहीं है। जो चीजें खुदा ने हमें दी है, लिखा है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। खुदा हमें अच्छी जगहों पर लेकर जाता है और खुदा स्टे करवाता है वहां, ताकि हम तसल्ली पाएं, इत्मीनान पाएं, खुशी और खुरमी को हासिल कर। इसके अगेंस्ट हमें खुदा के शुक्रगुजार होना चाहिए। वो खुराक जो आप खाते हैं, माश की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, चिकन खाते हैं, गोश्त खाते हैं, भिंडियां खाते हैं, टींडे खाते हैं, पराठे खाते हैं, अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, इन सब के लिए क्या हम कभी खुदा के इस तरह से शुक्रगुजार हुए? वो चीजें जो शुक्रगुजारी की होती हैं, हम उनमें बुड़बुड़ाहट का आंसर पैदा कर लेते हैं, हम खुदा के शुक्रगुजार नहीं होते। और आगे वो कहता है वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो कहां ले जाता है जी? राहत के चश्मों के पास। फ्रेश वाटर जहां पर होता है वहां पर जिंदगी होती है। पुरानी सिविलाइजेशन अगर आप देखें तो ये सारे लोग दरियाओं के किनारे आबादियां बनाते थे, क्योंकि दरिया जो है वो मीठा पानी, खारा पानी नहीं, मीठा पानी, मीठे पानी में जिंदगी। और मैंने किसी पैगाम में पहले बताया था कि पूरी दुनिया में मीठे पानी के जखायर सिर्फ 2%, 98% जो है वो खारा पानी दुनिया में, इस जमीन पर, इस कुरे अर्ज में 2% मीठा पानी है। जो आपके नलके में आ रहा है मीठा पानी, इसके अंदर लाइफ है, इसके अंदर नमक नहीं है इतना। समुंदर के पानी में इतना नमक है कि वो जहां कहीं आप यूज करेंगे खराबी पैदा कर दे। तो मीठा पानी जितना ज्यादा कम है उतना ही ज्यादा उसको बेदरेग हम जाया कर रहे हैं। तो वो क्या कहता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर वाटर थेरेपी भी होती है, पानी की आवाज सुना के लोगों को तंदुरुस्त किया जाता है। कुछ ज़हनी अमराज ऐसे हैं जो पानी की आवाज, बहते पानी की आवाज सुनकर, जो बड़ी लाइट सी आवाज होती है, या अगर आपने कभी यूट्यूब के ऊपर सर्च किया हो वाटरफॉल, स्लो वाटरफॉल थेरेपी, तो वो आपको वो म्यूजिक देगा जिसके अंदर पानी गिर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पानी गिर रहा है। जब आप उसको, कुछ लोग उसको लगा के सोते हैं, डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आपने म्यूजिक लगाना है और फिर सोना है, ये थेरेपी है। तो खुदा क्या करता है, वो हमें राहत के चश्मों के पास ले। उसको पता है कि हम फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं, मेरा ये बेटा ट्रैफिक में से निकल के आया, ये सांप की झिड़कियां सुन के आया, ये वजन उठा के आया, ये अपने बॉस के घर में मशीन लगा के ढेरों ढेर कपड़े धो के आई, इसके जोड़ थके हुए, ये परेशानी का शिकार है। फिर जब हम खुदा के पास आते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो खुदा हमें ब्लेस करता है, हमें थकावट को दूर करता है। सबसे बड़ी थेरेपी अगर दुनिया में कहीं आए तो वो खुदा की हुजूरी है। आमीन। आपने देखा होगा जब बॉक्सर बॉक्सिंग करते हैं रिंग के अंदर, एक दूसरे को मारते हैं, बॉक्सिंग करने से आपके मसल जो है वो शेल हो जाते हैं, थक जाते हैं, इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद राउंड खत्म हो जाता है, बेल बजती है, राउंड होता है, और वो उसको कुर्सी पर बिठाते हैं और फौरी तौर पर एक बंदा आता है, वो आके उसको दबाना शुरू कर देता है, ठंडा टावल उसके ऊपर रखता है, उसके सर के ऊपर ठंडा टावल रखता है और उसको बर्फ लगाता है, उसको ठंडक पहुंचाता है, ताकि उसके मसल जो है, जो थकावट का शिकार है, उनके अंदर एक दफा फिर से पावर आ जाए। कोच यही करता है, उसको हलाशेरी देता है। इसी तरह से जब हम खुदा की जोरी में आते हैं, खुदा हमें हलाशेरी देता है, खुदा हमें मजबूत करता है, वो हमारी सारी थकावट को चूस लेता है। प्रेज द लॉर्ड। राहत के चश्मों के पास वो हमें लेकर आता है। वो राहत, वो इत्मीनान, वो खुशी जो खुदा की जोरी में बैठकर हमें मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलती। वो मेरी जान को बहाल करता है, हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, राहत के चश्मों के पास लेकर जाता है, और वो मेरी जान को बहाल करता है। वो तमाम फ्रस्ट्रेशन, वो मुश्किलात, वो परेशानियां, वो बर्डन्स, वो आजमाइशें जिनमें से हम हर रोज गुजरते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारा जहन उन मुश्किलात में घिरा रहता है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, जब हम खुदा की जुरी में आकर बैठते हैं तो खुदा में बहाल कर देता है। बड़ी बड़ी मुश्किलात को जब आप खुदा की जुरी में ले आते हैं, जब हन्ना खुदा की हजूरी में पहुंची, हैकल के अंदर गई, तो वो तो बड़ी बेदिल थी, परेशानी से भरी हुई थी, क्योंकि उसकी सौकन थी, उसको सताती थी, और उसके पास बच्चे थे, इसके पास बच्चे नहीं थे, ये बेओलाद थी। इसने अपना दुख खुदा को बताना शुरू किया और खुदा ने उसको बहाल कर दी। हालेलुया। एली काहिन ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी? उसने कहा जी मैं नशे में तो नहीं, मैंने तो अपना दिल अपने खुदा के जुरूम ले ला। तो उसने कहा खुदा ने भी तेरी दुआ सुन ली, खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। क्यों? क्योंकि वो खुदा की हजूरी में आकर खुदावन से बरकत की और खुदा से मदद की दरखास्त गुजार थी, उसने खुदा से मदद मांगी थी, खुदा ने उसको मदद दी। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। खुदा अपने नाम की खातिर हमें सदाकत की राहों पर ले चले। ये बड़ा कमाल का भेद है, एक बड़ी अजीब चीज है, अगर आप इसको पा लें, अगर आप इसके साथ चलें, खुदा ही हमें नेकी पर चलने की तौफीक देता है अपने नाम की खातिर।
हम अपने बच्चों को अपने नाम की खातर बड़ी बड़ी चीजें देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। यार मेरे मुंडे का सूट ठीक ना होया तो कहेंगे लैब्रॉन साहब के मुंडे ने कपड़े कोई नहीं सही पाए, अल्लाह पुत्र लो जी अपने नाम की खातिर। लेकिन खुदा क्या करता है, वो हमें अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले जाओ, वो हमें एक पाक जिंदगी, एक नेक जिंदगी, सच्चाई के साथ चलने वाली जिंदगी बसर करने का फजल देता है, क्योंकि उसे ये पता है कि ये मेरे नाम से कहलाते हैं। अगर आप उसके नाम से कहलाते हैं तो वो आपको तौफीक बख्शेगा कि आप सदाकत की राहों पर चल सके, बल्कि खा मौत के साय की वादी में से मेरा गुजर, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। ये तो मशहूर हवाले हैं जो हम दुआओं में भी दोहराते हैं, लेकिन बारहा जब हमारी लाइफ में मुश्किल आती है, मुश्किल की घड़ी आती है, तो फिर हमें खुदा का नजर ही नहीं आता है ना, फिर हम जादूगरों के पास भागते हैं, फिर हम जल्दी से पादरियों के पास भागते हैं, फिर हम जल्दी से दरबारों पर दौड़ लगा जाते हैं, फिर हम इधर उधर हाथ पैर मारते हैं कि कहीं से हमारी कोई मुश्किल हल हो जाए। हम स्टे नहीं करते, हमें स्टे करने की जरूरत है खुदा की हुजूरी में, और इस बात पर यकीन करने की जरूरत है कि इस मुश्किल और कठिन वक्त में से मुझे मेरा खुदा निकाल ले, क्योंकि वो मेरे साथ है। उसकी दिलेरी की वजह यही है कि खुदा उसके साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली। वो लाठी जो चौपान या चरवाहा अपनी भेड़ को मारता है उससे उसको तसल्ली होती, भेड़ को पता होता है कि वो मेरे साथ ही। जीवार में हम रहते थे तो वहां पे एक बंदा था, उसके पास काफी भेड़े थे और वो अक्सर डंडा लेके आता था, वो जोर जोर से मारता था। तो मैं एक दिन रह ना सका, मैंने उससे पूछा, मैं कहा अंकल जी है तुम सड़क के उत्ते जरा डंडा मार दे जोर जोर दी, एदी की वजह ट्रैफिक को बचा ले। उन्हें कहा नहीं नहीं मैं असली मारना ताकि मेरिया भेड़ा सुन लैन के मैं ना लिया उन्होंने। तो दाऊद ये कहता कि तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसली है। खुदा हमारे इर्द गिर्द ऐसे काम कर रहा होता है जिससे हमें नजर आता है कि खुदा है मेरे साथ, खुदा है। हर रोज वो हमारी रखवाली करता है, हर रोज वो हमारी मदद करता है, हर रोज वो हमारे लिए बड़े सबब लगाता है, हर रोज वो ऐसे लोग मुहैया करता है। अभी मैं उस दिन दुआ से जा रहा था तो एक लड़का वहां पे खड़ा हुआ, तो वहां पे ट्रैफिक कोई भी नहीं थी, वो इसी मोहल्ले का था, तो एकदम से उसने मुझे देखा था, उसने लग गया कहता खुदा ने कैसा सबब लाया सर जी, मैनू पता तुम उत्थे ही चले हो जिथे मैं जा रहा। मैंने उसको बिठाया, मैंने उसको वही उतारा, क्योंकि वाकई उसने वही उसे मैकडोनल्ड जाना था, मैंने पेप्सी की तरफ मुड़ना था, तो मुझे पता था कि कहाँ की सवारी, उसको भी समझ आ गई कि कहाँ जा रहा। खुदा सबब बनाता, मैं उसी टाइम पे गया जब वो वहां पे खड़ा था। हर रोज खुदा हमारी जरूरतों को जानता है, किसको मैंने किस जगह पर किस टाइम पे भेजना है, और किससे मैंने किस बंदे को नाश्ता करवाना है, किसको मैंने रोटी खिलवानी है, किसकी मैंने कपड़ों की मदद करवा देनी है, किससे मैंने क्या करवा लेना, खुदा को पता है। खुदा टाइम एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी करता है, प्रेज द लॉर्ड। तो वो कहता है कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। ये बड़ी कमाल की बात, सारी मुश्किलों के बावजूद तुसी शाम को घर आ ही जाते और रोटी खा ही लेंदे, दोपहर में भी खाते, सुबह नाश्ता भी करते। खुदा हमारी जरूरतें हमारी तमाम परेशानियों में पूरी कर रहा है। हर रोज हम सोचते हैं यार सुबह बड़ी परेशानी, उस बंदे नूं भी मिलना, उन्हें भी मिलना, लेकिन वो दिन भी गुजर जाता है, दिन गुजर जाते हैं। खुदा हमारे साथ वफादार रहता है, खुदा हमारी सारी जरूरतों से वाकिफ है, और वो ये चाहता है कि जिस तरह दाऊद खुदावंद में खुशी मना रहा है, इसी तरह मैं और आप भी खुदावंद में खुशी मनाएं, हर रोज खुदावंद में चले, जो कुछ हमारे पास है उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसके लिए खुदावंद की तमजीद करें, उसके लिए खुदावंद को मुबारक कहें, और जो कुछ हमारे पास नहीं है उसके लिए तवक्कल करें कि खुदा कर सकता है, क्योंकि इतने सालों में अभी तक खुदा ही हमें चला रहा है। आमीन। और फिर वो कहता है तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। सर पर तेल मलने का मतलब यह है कि खुदा उसको रिलैक्स करता है। और उस जमाने में जब भेड़ों की रखवाली की जाती थी तो उनके सर पर तेल मला जाता था, इसलिए वो तारपीन का था या उसके अंदर कुछ तारे मीरे का तेल या कुछ तरह का तेल था जो मच्छरों को और मक्खियों को भेड़ों के पास नहीं आने देता था। वो कड़वा तेल होता था, वैसा तेल होता था जिसको लगाने के बाद भेड़ें सिक्योर हो जाती थी, क्योंकि जब भेड़ के नाक के अंदर मच्छर चला जाए या मक्खी चली जाए तो फिर भेड़ को तकलीफ बड़ी होती, क्योंकि उसको पता ही नहीं किसको निकालना कैसे, मक्खी नूं अगवाया नहीं समझ आती मैं किधर नूं जाना, मक्खी अगे नूं ट्रैवल करती है दिमाग वाल, है ना, वो फिर टक्करे मारती है, वो नीचे जाती है और वो दरख्तों के साथ सर टकराती है, अपने आप को जख्मी कर लेती। तो जो समझदार चरवाहे होते थे वो क्या करते थे, वो अपनी भेड़ के सर पर तेल मल देते थे, उसके नॉस्ट्रल्स के पास तेल लगा देते थे, जैसे ही मक्खी या मच्छर पास आता था तो एकदम से उसको स्मेल आती थी, वो पीछे चले जाता। खुदा क्या करता है, वो अपने पाक रूह से हमें मसा करता है। फिर जब शरारत की फौजें हमारी तरफ आती हैं दूर ही भाग जाती, उन्हें पता चल जाता है कह रहे थे पाक रूह है। हालेलुया। बुरी सोचें बुरे ख्याल जब हमारे ऊपर हमलावर होते हैं तो उस पाक रूह के मसा के सबब से जो हमारे ऊपर, वो कहता है मेरा प्याला लबरेज होता है। खुदा के साथ चलने वाले लोग रूह से मामूर लोग होते हैं।
ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی روح کی رہنمائی کو لے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور شیطان کے منفی خیالات ان کی زندگی کے اندر اثر انداز نہیں ہوتے. شیطان حملہ ور تو ہوتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا ان کی زندگی کے اندر. لیکن اگر خدا کا پاک روح ہماری لائف میں نہ ہو تو پھر چھوٹے چھوٹے خیالات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ایسے چپک جاتے ہیں کہ وہ ہماری جان ہی نہیں چھوڑتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, بل, فیسیں, گیٹ تڑلوانا یار, ویلڈنگ والا بندہ نہیں لگ رہا, پانی نہیں آ رہا, موٹر خراب ہو, سارا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی سارا. ابھی چند دن پہلے مجھے دکان پہ ایک بندہ ملا, کہندا سر جی موٹر خراب ہوئی ہے. کہندا بندہ موٹر کھول کے چلا گیا, آپ پتہ نہیں کتنے چلا گیا, فون بھی بند کر, مطلب ان کی موٹر کھول کے, اور کہندا جی میں آنا وا, وہ آئے نہیں واپس. اور سارا دن بےچارا بندہ پریشان ہوتا رہا. شام کو اس نے کسی اور بندے کو بلا کے اپنی موٹر کو اس نے بند کروایا اور پانی آیا اس کو. سارا دن وہ خوار ہوتے. بات تو چھوٹی سی تھی لیکن وہ بندہ کہاں گیا کوئی پتہ نہیں, فون بھی بند کر دیا اس نے. تو یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہر روز ہماری لائف کے اندر چلتی رہتی, لیکن خدا کیا کرتا ہے, خدا ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے, خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں سنبھالتا ہے. ان منفی خیالات کو جو شیطان ہماری لائف میں لے کر آتا ہے, اس فٹیک کو بھی جو جسمانی طور پر حملہ ور ہوتی ہے ہم پہ, خدا اس سے بھی ہمیں بچاتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی. بھلائی بھی میرے ساتھ ہی ہوگی, رحمت بھی میرے ساتھ ہو, ساتھ ساتھ ہی رہیں گی میرے, یقیناً ڈیفینیٹلی میرے ساتھ ساتھ ان دونوں چیزوں نے رہنا ہے. بھلائی بھی, خدا میرے ساتھ بھلائی کرے گا ہمیشہ, اور خدا اپنی رحمت کو کثرت سے مجھ پر ظاہر کرے گا. اور یہ عمر بھر کی بات کر رہا ہے, صرف 2023 کی بات نہیں کر رہا, یہ صرف ہے 2023 میرا لائسنس چلتا رہے گا, پھر 24 میں پھر رینیو کروانا پڑے گا, ایسے نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے یہ عمر بھر کا معاملہ, خدا عمر بھر میرے ساتھ بھلائی کرے گا اور اپنی رحمت کو میری زندگی میں ظاہر کرے گا, اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں. یہ اس کی لائف کا ایکسپیرینس ہے. اور جب تک داؤد زمین پر زندہ رہا, داؤد خدا کے ساتھ رہا, اس سے غلطیاں ہوئیں, لیکن جب بھی اس سے غلطی ہوئی وہ خدا کی طرف لگا, اسے اپنی غلطی کو مان لیا. اور ایمانداروں کی فہرست کے اندر وہ شامل ہے, اور اب وہ آسمان پر بھی خدا کے ساتھ. آمین. میں ہمیشہ عمر بھر زمین پر بھی خدا کے ساتھ تھا, اور آسمان پر بھی وہ خدا کے ساتھ ہے. وہ ایماندار جو یہ جانتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے, اس کی لائف کے اندر باقی ساری چیزیں جو آگے ہیں وہ پوری ہوں گی. جس کا چوپان خدا نہیں, اس کی زندگی کے اندر باقی چیزیں بھی نہیں ہیں. آپ کو سمجھ آئی اس زبور کی ترتیب؟ شروع میں وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. پھر اس کے بعد وہ ان کاموں کا ذکر کرتا ہے جو خدا ہر روز اس کی زندگی میں کرتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کی لائف کا چوپان, اس کا رہنما, اس کا رہبر خداوند نہیں ہے, تو پھر باقی ساری چیزیں اس کی لائف میں نہیں ہوں گی. پھر نہیں ہوں گی, پھر لوگ مارے مارے پھرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, جال سازی کرتے ہیں, 200 کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, ڈاکے مارتے ہیں, چھینا جھپٹی کرتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, کیونکہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی, ان کا اس چیز پہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ خدا میری اسی تنخواہ میں میری پوری کر سکتا ہے. کہندا سر جی کی کریے پوری نہیں پیندی, پھر پٹرول چوری کرنا پیندا, سر جی کی کریے پوری نہیں پیندی, اے فلانا کام کرنا پیندا, سر جی پوری نہیں پیندی, صاحب دے پیسیاں دے وچوں تھوڑے پیسے کڈنے پیندے, انج کرنا پیندا, انج کرنا پیندا. کیوں؟ کیونکہ اس کا چوپان خدا نہیں. جس کا چوپان خدا ہے, اس کے تھوڑے میں بھی برکت, اس کو کمی نہ ہوگی. یہ ایک اتھینٹک بات ہے, اور یہ ایک پروون ریالٹی ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ خدا ہے, جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے, اسے کسی چیز کی کمی اور گھاٹا نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر روز اپنے خدا کی حضوری میں آ کے اپنے آپ کو فریش کریں. خداوند میں بڑا پریشان, تو مجھے ریلیکس کر. آپ اپنی فرسٹریشن کو خدا کے ہاتھ میں دیں, اپنی پریشانیوں کو خدا کے ہاتھ میں دیں. یہ ایک ایسی پریکٹس ہے, جس بندے کو یہ طریقہ کار سمجھ آ گیا لائف میں کہ میں نے خدا سے بات چیت کرتے رہنا ہے, وہ اپنی زندگی کے ہر ایک معاملے میں سرخرو ہوتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہے, وہ اپنی زندگی کی تمام رکاوٹوں کو, ہرڈلز کو کراس کر کے آگے نکل جاتا ہے اور خداوند میں بڑھتا رہتا ہے. آمین. سو میری دعا ہے کہ ہم زبور 23 کو جب بھی پڑھیں ہم رکیں, اور ان تمام سوالات کو جن کو داؤد نے اٹھایا ہے, ہم اپنی زندگی پر ان کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ کیا واقعی مجھے اس چیز کا تجربہ ہوتا ہے, کیا میری زندگی میں یہی ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں جو داؤد کی زندگی میں ہوئے. کیونکہ جس شخص کا تعلق خدا کے ساتھ ہے, اس کی زندگی میں یہ تجربات ہونے ضروری ہیں, اور ضرور ہوں گے اس کی لائف میں. اور آپ کی زندگی میں بھی ان چیزوں کے تجربات ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں, لیکن کئی لوگ اس کو بھول جاتے ہیں, کئی لوگ اس کے بارے میں شک کا شکار ہو جاتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے اتنے لوگوں کو دعا کے لیے کہہ دیا, خود دعا نہیں کی, پھر اسی مشہور جملہ بولو گے پتہ نہیں کدھی سنی گئی ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کدھی سنی گئی ہے, میں تو کیتی نہیں, پھر کسی دی سنی گئی ہے نا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے خداوند سے فریاد کی, اس نے میری سن لی, ہیلیلویا خدا. یسوع مسیح نے کہا میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو ہمیشہ ہی میری سن لیتا ہے.
यीशु को पता है कि आसमानी बाप सुन लेता है। आमीन। ये उसने इंसान होते हुए कहा है, ये खुदा होने की हैसियत से नहीं, क्योंकि वो बशर भी है वो खुदा भी है, इंसान होने की हैसियत से उसने कहा कि मुझे पता है तू मेरी सुन ले। तो हमें भी पता होना चाहिए कि खुदा हमारी सुन लेता है, लेकिन हम कहते हैं पता नहीं किधी सुनी गई, क्योंकि उसमें हम ये चीज जाहिर करते हैं कि मैं आप तो की कोई नहीं, मैं पता नहीं किन्नियां क्या सी, किसी ने तो मेरी की होनी तो पता नहीं हम किसी सुनी गई। इसलिए आप लोगों से कम कहें, आप अपने आप को खुदा की जूरी में लाएं, खुद दुआ करें और इस चीज पर ट्रस्ट डेवलप करें खुदा पर कि खुदा मेरी भी दुआओं को सुनता है और खुदा मेरी ही दुआओं को सुनना चाहता है। ये एक हकीकत है और खुदा ये चाहता है कि हम एक बाप जानकर उसकी हजूरी में आए, जैसे एक बेटा एक बेटी बिला खौफ खतर अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं और उनको अपनी डिमांड बता देते हैं कि जी ये मेरी जरूरत है, मेरा ये दिल कर रहा है खाने के लिए, मैं ये चाहता हूँ, और माँ बाप उसकी बात सुन लेते हैं। इसी तरह से खुदा भी उनसे कई गुना ज्यादा नरमी से मोहब्बत से हमारी बात सुन लेता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। ऐ खुदावंद, तेरे हजूर इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि बाइबल मुकद्दस में ऐसी खूबसूरत बातें मौजूद हैं जो हमारे कमजोर दिलों को मजबूत करती हैं, जो हमारे ईमान को तरोताजा करती हैं। दाऊद के मजामीर बहुत खूबसूरत मजामीर हैं, इसके अंदर सुलेमान के मजामीर हैं, आसफ के हैं, मूसा के हैं, दीगर मुसनफीन के हैं, बनी कोरा के हैं। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि ये सारी बाइबल मुकद्दस हम पढ़ें, हम इस पर गौर खोज करें, हम इस पर ज्ञान और ध्यान करें और हम अपनी जिंदगी को खुदावंद तेरे कलाम की सच्चाइयों के मुताबिक ढालना शुरू करें और अपने आप को तेरे पाक रूह के ताबे करें, ताकि तेरा पाक रूह मसीह को हमारी जिंदगी के अंदर और भी गहरे तौर से जाहिर कर सके। खुदावंद, ये पैगाम जो हमने आज सुना ये हमारे जहन के अंदर गर्दिश करता रहे, ये बातें हमारे जहन के अंदर गर्दिश करती रहें और हम खुदावंद इन पर ज्ञान और ध्यान करते रहें, ताकि खुदावंद अपने आप को हर रोज अपलिफ्ट करते रहें, रूह में मजबूत और मुस्तहकम होते चले जाएं और अपनी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर करते रहें। यीशु के नाम में, आमीन।